नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने जय प्रवेश। और आज से हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना सिलेबस जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए शुरू कर रहे हैं ना, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग इस कदम को उठा रहे हैं देश की सेवा का। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जो हूँ यूपीपीसीएस वर्ष 2017 में सिलेक्टेड हूँ सीटीओ के पोस्ट पर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। और आपके समक्ष हम ही लोग पढ़ाएंगे अल्टीमेटली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कोर्स अमूमन चलाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ फैकल्टी मेम्बर्स और भी हैं जो कि इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेम्बर्स रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग आपके सामने जो ये जो आपका सिलेबस है, इसको पूरा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और बारी बारी से हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2020 की डेट्स जो हैं उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स की, वो पहले से ही घोषित कर दी गई हैं। 21 जून को आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मिलेगा। और प्रीलिम्स में जो सिलेबस है जीएस का, सी सेट का, ये सब जो है इस हमारे जो आप कोर्स आपने जो चूज़ किया है उसमें सब कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपके समक्ष जो हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि अल्टीमेटली हम जो जो आपको प्रोग्राम बता रहे हैं, ये प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया है, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली सबसे अहम चीज़ क्या है, रणनीति किस प्रकार से हो, है ना। तो हम ये बता देते हैं आपको कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं, क्या कोर्स है, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, नोचा जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम जय प्रवेश है और हमारे साथी जो हैं, एक शिवम मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, और एक और शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं। तो ऐसे मतलब हम जो भी ग्रुप बनाए हैं, जो आपके सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं, सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही हैं। तो इससे मतलब होगा क्या, मतलब देखिए ऐसा क्या है कि हम इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही क्यों आपके सामने लेकर आया है। इंस्टीट्यूट के पास और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली है क्या कि देखो, जो पेपर है ना प्रीलिम्स का, आप देख रहे हैं पीसीएस में हो क्या रहा है कि इसकी जो एग्ज़ाम की प्रकृति है वो बदलती जा रही है, धीरे धीरे बदल रही है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छी बात है कि एक जो पुराना टीचर होता है उसको अनुभव अच्छा होता है, वो आपको अनुभव सिखा सकता है। परंतु हो क्या रहा है कि पेपर की प्रगति के बदलने के साथ साथ कभी कभी जो पुराने टीचर्स हैं वो हिट नहीं कर पाते हैं जो एग्जाम की डिमांड है, समझ रहे हैं बात को। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है भाई, हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है कि हमें पीएचडी करनी है क्या, हमें निकालना है पेपर, हमारा पेपर निकलना चाहिए। और अगर पेपर हमें निकालना है तो जो करंट का ट्रेंड है वो हमें समझना होगा कि करंट में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कौन कौन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक में अल्टीमेटली हमें पढ़ना क्या है, पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी है कि उसमें से छोड़ा क्या जाए, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है एक टॉपिक में, कुछ ही बातें होती हैं, एक टॉपिक हमने उठाया 5-6 बातें उसमें हैं, वही हमें पढ़नी होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आपके सामने जो चीज़ लेकर आ रहे हैं उसमें यही है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आपके सामने लेके आया गया है, जिससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप क्या करेंगे, ये तुम डायरेक्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ठीक है, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पेपर का एग्जाम के लिए समय भी कम है, तो आप उस कम समय में टू द पॉइंट टारगेट जो है आप उसको हिट कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही आपके सामने लेकर आए हैं। हमें पूरा पीएचडी नहीं करना है, हमें सब कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ अपना पेपर एग्जाम निकालना है, वही हमारा मेन फोकस है, है ना। तो अभी क्या है कि हम लोग जो इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्या होगा कि एक एक करके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके सिलेबस में मेंशन है, आप देखेंगे नोटिफिकेशन जब आएगा लोक सेवा आयोग 2020 का, तो उसमें क्या होगा, उसमें सब सब्जेक्ट्स में मेंशन कर रखे हैं कि प्रीलिम्स में हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपका भूगोल है, ठीक है, इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण विज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ डिफाइन मिलेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस, उस सब्जेक्ट की प्रकृति और वहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बता दिया जाएगा।
तो आप निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहला चरण क्या होता है, सिलेबस तो समझा जाए कि हमसे हमें पढ़ना क्या है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम उस दिशा को आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम बारी बारी से टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा कोर्स है हमारा, ये कोर्स इसी आधार पर बढ़ रहा है, और क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं, देखो तकनीक जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे नए विकल्प हमारे सामने खुल जाते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके समय पर ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि आप अपने घर बैठकर तैयारियां कर सकते हैं। हमारे समय पर ये नहीं होता था, ठीक है, हमें बाहर निकलना पड़ता था। कई लोगों की फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि वो बड़े शहरों में जाएं, फिर वहां पे खाने का रहने का खर्च करें और फिर क्लासेस लें, ठीक है। तो ये काफी अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से आपके हम घर तक पहुंच चुके हैं, और जो जरूरतमंद है उसके लिए बहुत जरूरी है जी, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को अधिकार है, आप सभी इस देश के नागरिक हैं, आप सब जो है लोक सेवा में आ सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी योग्यता दिखाइए, क्षमता दिखाइए और आइए इस एलीट ग्रुप को भी मतलब ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट आप लोग जो हैं पहले से बहुत कुछ जानते हैं। देखिए एक बात समझने की जरूरत है, अल्टीमेटली हमारे सिलेबस में जनरल स्टडीज जो है वो हमसे पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर जो है उसमें मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, थोड़ी बहुत हिंदी भी आएगी। तो वो पेपर जो है वो सिर्फ आपकी मानसिक क्षमता को देखने के लिए है, उसके नंबर जो है आपकी जो कट ऑफ बनती है प्रीलिम्स की उसमें ऐड भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको पास करना होता है। 33% नंबर जो है आप लेके आइए, आप पास हो गए तो ठीक है आप आ जाइए। अब आप आपके जो जीएस का जो क्वेश्चन पेपर है जो आपने आंसर लिखे हैं उसको हम जांच लेते हैं, ठीक है। तो बस वो एक फॉर्मेलिटी मात्र है, उसकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी इसी कोर्स के साथ, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी जहाँ पे आपको सी सेट की भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है वो जीएस का है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी कट ऑफ है वो बननी तो इसी पे है, तो जो कट ऑफ इस पे बननी है तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आज से आपके जो कोर्सेज हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बताते चलूंगा एक क्या सिलेबस है चीज का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कैसे उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो सब हम क्लियर करेंगे। क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप पहले तो उसे ध्यान से सुनिए कि ये बता क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बेस्ट देते हैं और 99% आपको समझ में आ ही जाएगा, पहली बार में समझ में आ जाएगा। परंतु अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा बैक करके देख लिया कि बोलना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम समझ में नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक बार बैक कर लिया फिर समझ लिया, जब एक दो बार सुनेंगे ना तो समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो मेजर क्वेश्चन है यहाँ पे जो उठता है वो ये है कि हमें नोट्स बनाने हैं क्या, क्योंकि नोट्स बनाना होता है कि हर स्टूडेंट्स के अपने नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे पढ़ाने से पहले ही बार में ही उस चीज़ को पकड़ लेंगे और उसको फिर वो मेमोराइज भी कर लेंगे, अर्थात याद भी हो जाता है उनको और पेपर पर अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। देखो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड ये है ये ना रहा हो, क्योंकि अल्टीमेट सब्जेक्ट आर्ट्स मतलब स्ट्रीम के हैं, जो आर्ट्स होती है उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, आपका साइंस स्ट्रीम रहा है या कॉमर्स स्ट्रीम रहा है तो थोड़ी बहुत आपको समस्या आ सकती हैं, पर हम यहाँ पर हैं आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसके नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो आप बना सकते हैं, पर याद रखिए नोट्स जो है छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए नोट्स बनाने की विधि भी मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कैसे कीजिए। हम आपको यहाँ पे पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट पे हमने काफी सारी स्लाइड्स बना रखी हैं, वो स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, मैं पढ़ाता भी रहूंगा उसी स्लाइड्स पे, वो आपको मिलती भी रहेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। काफी मतलब बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, विश्वास कीजिए 50 कम से कम मेंबर्स हैं हमारी टीम में जो इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि मटेरियल को कैसे जैसे कितना ज्यादा मतलब शुद्धता उसमें लेके जाए, कितना उसको प्योर कर सके हम, जिससे आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना पड़े, सब कुछ नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टीम है, उस टीम ने अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पीपीटी पे उसको और शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई इतना बल्क में मटेरियल हो गया है, इतनी मोटी मोटी नोट्स हैं, अब उसको कैसे कवर करें, 15 दिन में रिवीजन करना है, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या है, पीपीटी अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो उस पीपीटी पर जाके देख सकते हो कि हाँ ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें बताए गए थे, हम इस पर ध्यान दे देते हैं।
तो आप एक काम कीजिएगा कि जो पीपीटी है ना, उस पीपीटी को आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में, जब भी आपको वीडियो मिलेगी उसके लिंक में आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप उसी पीपीटी को आप डाउनलोड कर लीजिए हार्ड कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद आप एक काम कीजिए कि उसी मतलब कॉपी पर ही आप क्या कीजिए, उसी चीज को ऐड कर लेना बाद में, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट इसमें ऐड करना था, वो पॉइंट ऐड करना था, उसको ऐड करते रहना, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ, अगर मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, फैक्ट होंगे जो हम आपको बताते चलेंगे, हो सकता है आपके नोट्स में ना हो और या स्लाइड में ना हो, कुछ एक्स्ट्रा हमने बता दिया, तो आप क्या कीजिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आजकल तो स्क्रीनशॉट हो जाता है, तो आपको उतारने की जरूरत भी नहीं है। इससे क्या होगा, प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको बाकी जो ऐसे काम है जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिसका ज्यादा इतना यूज नहीं है, वो नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ आपके पास पहले से तैयार होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम जो समझा रहे हैं वो समझना है और रिविजन करते चलना है। इसी के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक क्लियर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। भाई पुराने जो पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, उनमें किस प्रकार से उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, उस टॉपिक को मतलब उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे क्या कारण था, और उसे हमें डील कैसे करना है, ये आपको हम क्या करेंगे टॉपिक के साथ साथ बताते चलेंगे। भाई मान लीजिए कि अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को जैसे हम खत्म कर दिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, हमने ज्यादा नहीं 15-20 मिनट की, आधे घंटे की एक क्लास जो ले ली, और उसमें क्या कि सारे क्वेश्चन हमने बता दिए लाइन से आपको, तो वो क्या आपको उससे क्वेश्चंस भी आपको हो जाएंगे, तो ये अंदाजा हो जाएगा ना आपको कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक वो चीज मिल जाएगी वहां से, तो आपको एक ये फायदा है यहाँ पर। और इसके बाद जो एक नेक्स्ट बड़ा फायदा जो आपको यहाँ होने वाला है, वो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ साथ हम सी सेट मैंने बताया जैसे एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि पेपर से कुछ समय पहले, 15-20 दिन, 1 महीने जब होगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, और जितनी ज्यादा जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि चीजें जो है आपको याद होने लगी हैं, चीजें जो है बाहर निकल कर आ रही हैं, जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं इसको लगा लूंगा, अल्टीमेटली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। तो हम उस पर भी ध्यान दे के चल रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आपको एक बात देखो बता देता हूँ, हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत प्रश्न होते हैं कि क्या होगा यार, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे एक साथ कवर हो सकेगा, तो ये कुछ समस्याएं जो है हमारे सामने आती हैं। पर अल्टीमेटली है क्या, देखो मैं बताऊं, सब ना खेल ना दिमाग का है, कुछ नहीं है, कोई आप किसी भी दुनिया के किसी भी मतलब टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम में बैठ जाइए, सारा खेल जो है दिमाग का होता है, ठीक है। हमारा जो मनोविज्ञान है ना, वो इसके पीछे काम कर रहा होता है, हम ये जानते भी नहीं है, क्योंकि ये देखो हम सिलेक्टेड लोग हैं यहाँ पर, हम भी उस मतलब दौर से गुजरे हैं जब शुरुआत हमने भी की थी आज से 2-3-4 साल पहले, तो हमें भी ऐसा लगता था कि यार कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, हम लोग भी कोई बहुत बड़े मतलब तुर्रम खा नहीं है कि वैसे हमें इतने सारे 90% नंबर लेकर आ रहे हैं, 100% नंबर लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सामान्य मतलब छात्र के तौर पर हमने तैयारी शुरू की और सामान्य रूप से ही चीजों को समझा, ठीक है। तो वही सब आपके साथ है, तो आप ये मत समझिएगा कि कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा, समय से हो जाएगा, बस जो आपसे बोला जा रहा है वो आपको करना है, ठीक है। तो आप करते रहिए, हम जो इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि लगभग जहां तक मुझे लगता है कि 15 मार्च तक हम अपनी तरफ से काम पूरा कर देंगे, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उन वीडियोस को कितने दिनों में कवर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 15 मार्च तक का टारगेट लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो सब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने आपको बताया है, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्सेज तो आपके स्मूथली चलते रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, डाउट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी चीज पर डाउट होता है, हम आपको यहाँ बताएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो मेरे समझ में नहीं आया, या ये सर ने जो बताया है उसके पीछे क्या कारण था वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखिए आप अपने डाउट जो है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करो, आप अपने डाउट जो है आप हमें भेज दीजिए कि इस प्रकार का डाउट्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ तो मैं बता दूंगा, या बाकी फैकल्टी है तो बता देंगे, अगर कुछ नहीं है तो हमारे जो टीम है, टीम मेंबर में डाउट क्लियरेंस के लिए भी एक अलग से टीम बना रखी है, जिसमें करीब 7 या 8 लोग हैं,
हमारे पास डाउट्स आते रहते हैं, तो उन डाउट्स को हम तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करते हैं, आपको ईमेल के जरिए या आपके पोर्टल पर उस डाउट को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, या फिर आपको हम टेस्ट के माध्यम से भी आपका जो है डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, आप निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है। अनुभवी टीचर्स हैं यहाँ पर, सिलेक्टेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं सिलेक्टेड इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं ऐसा मेरा मान के चलना है कि जब कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपको पढ़ाता है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ कोर बताता है, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं बताता है। तो दो इधर उधर की बातें ना करके मैं कोर पर आता हूँ, शुरू करते हैं अपनी तैयारी, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, यूपी पीएससी 2020, ये है हमारा टारगेट। इसकी डेट है हमारे पास 21 जून, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही जून जो है आयोग ने दी है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। अब देखिए यूपी पीएससी है क्या, अल्टीमेटली हम समझते हैं इस चीज को, पहले हम इसको समझते हैं कि यूपी पीएससी है क्या, और फिर ये समझते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम वो पढ़ते हैं और उसके बाद बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट को हम समझते हुए चलेंगे कि उसमें हमें कैसे पढ़ना है और क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यूपीपीएससी की हम बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि जो पेपरों जो एग्जाम होते हैं उसको तीन चरणों में पूरा किया जाता है। जैसे पहला जो चरण होता है उसे बोलते हैं प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का मतलब हुआ प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रीलिम्स जो है ये पहला होता है, इसमें क्या होता है कि दो एग्जाम आपके होंगे, जो कि 21 जून को पेपर भी है आपका प्रीलिम्स का, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर जो होगा आपका वो जीएस का होगा और दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर होता है सी सेट का, ठीक है। तो जीएस और सी सेट इसमें दो पेपर होते हैं, ये दोनों ही पेपर जो है 200-200 मार्क्स के होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होगा और आपका ये भी 200 मार्क्स का ही होगा, ठीक। तो जीएस की अगर बात करें तो इसमें काफी काफी सारे सब्जेक्ट हैं, अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे क्या है ये, इसको भी समझने के प्रयास करेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रीलिम्स जो है प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें दो हमारे पेपर होंगे, एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर हमारा सी सेट का होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो परीक्षा है इसमें क्या होता है, देखो इसका उद्देश्य क्या है इसको पेपर को कराने का, इसका ये है कि देखो जब हम पीसीएस का फॉर्म निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग प्रतिवर्ष जो देखा जा रहा है वो इस बार लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन दिए थे, पीसीएस 2019 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पीसीएस 2019 में लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 6.5 लाख लोग जो है उन सबने तैयारी की हुई है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए फॉर्म भर देते हैं कि एक बार देके देखते हैं पेपर कैसा आता है, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है और फॉर्म भर देते हैं। तो आयोग भी इस बात को भली भांति समझता है कि इस प्रकार के विद्यार्थी भी एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। तो आयोग क्या करता है, एक एग्जाम लेता है पहले, इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि प्रश्नों का जो स्तर होता है वो सामान्य होता है। स्तर कैसा होगा, सामान्य होगा, अर्थात आपसे ये देखा जाएगा कि आपको जो एग्जाम की नीड है, जो एग्जाम की डिमांड है, उसका सामान्य ज्ञान है या नहीं, उसे एक सामान्य समझ होनी चाहिए ना, यही तो हमें इसमें उद्देश्य है हमारा, वरना ऐसे तो 6.5 लाख लोग आ जाएंगे, सब थोड़ी ना कंपटीशन कर पाएंगे एक साथ। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से, क्या करते हैं कुछ सामान्य समझ को टेस्ट करते हैं कि हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आपको आगे की स्टेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक उद्देश्य यह है कि यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीरियस नहीं है परीक्षा को लेकर, सीरियस नहीं है और एक टेस्ट के लिए वैसे ही अपने आप को जज करने के लिए उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो हो जाएंगे यहाँ से बाहर, ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो जाते हैं, ठीक। तो प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है कि आपको टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी सामान्य समझ होनी चाहिए और आप जो है सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, इसको जांचने के लिए ही प्रारंभिक परीक्षा बनाई गई है, ठीक है। तो काफी सरल क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल सामान्य स्तर का ही होता है और आपको सामान्य समझ के साथ इसको पार करना है। तो अब जो हम जो सिलेबस यहाँ पे कराने जा रहे हैं उसका मेन फोकस प्रीलिम्स पर रहेगा, ठीक है।
अब देखिए, ये बात जरूरी है कि क्वेश्चन का स्तर सामान्य होता है, परंतु हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो भी 6.5 लाख हैं। इसमें से जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, यदि मैं 1 लाख कैंडिडेट भी सीरियस मान लूँ, तब भी हमारा कंपटीशन 1 लाख लोगों से तो है ही, ठीक है। तो उसके लिए हमें तैयारी भी करनी होगी, वही तैयारी हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स हम यहाँ पे करके चलेंगे, ठीक। इसके बाद देखो, प्रीलिम्स जब आप क्लियर कर लेते हैं, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको कॉल आएगा किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए। दूसरा एग्जाम, दूसरा चरण क्या है, स्टेज कौन सा है पीसीएस का, मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में क्या करना होता है, जो कैसे आएंगे मेंस एग्जाम में, मान लीजिए कि ये जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स में जो आयोग ने इस बार सीमा रखी है, वो सीमा रखी है 13 गुना की। कितनी सीमा रखी है, 13 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 100 लोग जो है, 100 वैकेंसी जो है आई है, 100 वैकेंसी, मतलब आपसे आयोग जो है चाहता है कि हम 100 लोग को चयन करके इस बार लेकर आएंगे, तो मेंस के लिए कितने लोग आएंगे, 13 गुना आएंगे। यानी कितने लोग आएंगे, सिर्फ 1300 जो कैंडिडेट हैं उनको हम जो है मेंस के लिए बुलाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो आयोग जो है नोटिफिकेशन में पहले ही बता कर चलता है कि जितनी वैकेंसी है उसका मैं 13 गुना, या पहले 18 गुना था, 18 गुना, अभी 2020 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा इस बार कितने गुना बुलाना चाहता है। तो इतने लोग हम मेंस के लिए बुलाएंगे। मेंस में जो है आपकी जो समझ है टॉपिक्स को लेकर, उसका मतलब परीक्षण होता है। इसमें भी सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ एग्जाम की बात करूँ, तो इसमें जीएस के ही आपके 4 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होंगे, और चारों के चारों सब्जेक्टिव प्रकृति के होते हैं, जो आपको हाथों से उसके आंसर लिखने होते हैं। जबकि जहाँ पे जीएस में क्या था, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो मेंस में क्या है कि 4 जीएस के पेपर आएंगे आपके, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, एक वैकल्पिक विषय का चयन आपको करना होता है, जिस विषय के साथ आप जो है परीक्षा में बैठना चाहते हैं। वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है, यदि आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में सहजता महसूस नहीं हो रही है, तो जो एक लिस्ट आयोग अपने नोटिफिकेशन के साथ देता है, उसमें से आप किसी एक विषय का चयन करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 पेपर जो है आपको ऑप्शनल के मिलेंगे। इसके बाद एक पेपर आपका ऐसे का होता है, निबंध जिसे हम बोलेंगे, और एक पेपर आपका हिंदी का होता है। इस प्रकार से लगभग 4 to 6 और एक लगभग कितने पेपर हो गए, ये 8 एग्जाम पेपर जो हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको मेंस में। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, देन उसके बाद आपका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, आपको बुलाया जाएगा आपके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके ज्ञान का परीक्षण यहाँ हो चुका है, सामान्य ज्ञान का परीक्षण यहाँ हो चुका है, यहाँ पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, तो आप कहलाए जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से पीसीएस जो है वो उसका परीक्षा कार्यक्रम चलता है, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है इस बैच का, वो प्रीलिम्स को क्लियर कराना है, ठीक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासेस स्लाइड पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रीलिम्स के बारे में, हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। और जीएस के पेपर के साथ मैंने बताया, जैसे आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें आने वाला है। तो इसमें इतिहास जो है उससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसमें दूसरा विषय जो आपका है वो भूगोल है, भूगोल संबंधित विषय आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा आपका क्या कहते हैं आपका पॉलिटी है, जिसे हम राजनीति शास्त्र बोलते हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पर्यावरण जो है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, तो विज्ञान एक सिलेबस है, हमारे सिलेबस में दे रखा है, वो हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो हमें पढ़ना होता है। और अर्थशास्त्र के साथ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है करंट अफेयर्स, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो प्रीलिम्स है। देखिए, ये जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, ये अमूमन हर परीक्षा में रहता है, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दें या किसी अन्य राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनकी परीक्षा दें। तो देखो, ये सिलेबस तो हर एक में रहता है। इसके बाद जो सिलेबस है वो ऐड होता है राज्यवार, राज्य आधारित प्रश्न जो है वो भी पूछे जाते हैं। अब जैसे आप यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी राज्य से संबंधित जो है वो उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अपना एक जीके होता है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं वो भी हमें पढ़ने होते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये सिलेबस जो है ऐड हो जाता है आपका
यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें सिंपल, ठीक, तो अल्टीमेटली हम जो कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, वो इन विषयों को लेकर हो रही हैं। ये विषय आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक। इन विषयों के बारे में रेगुलर क्या हुआ, क्लासेस होंगी, अलग अलग फैकल्टीज आपके सामने आएंगी और अपने अपने विषय के संबंध में आपको जो सिलेबस है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगी कि इसमें अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है ना पिक्चर कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। प्रीलिम्स का हम तैयारी करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स में जो पहला पेपर है जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होती है प्रीलिम्स की, वो है जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में ये विषय जो है मुख्य रूप से हमें पढ़ने होते हैं। इन विषयों को हम बारी बारी से देखते हुए चलेंगे किस प्रकार से सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो आज यहाँ पर मैं जो आपके सामने हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ राजनीति शास्त्र से संबंधित सिलेबस कि किस प्रकार से पॉलिटी जो है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने पॉलिटी की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पॉलिटी है क्या चीज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अमूमन होता क्या है कि हम लोग समझने लग जाते हैं कि एक शब्द और है इसके साथ मिलता जुलता एक शब्द है, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। ये शब्द आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स। इसको हिंदी में बोल देंगे राजनीति शास्त्र और इसको हम बोलते हैं केवल राजनीति। अब देखिए, हमारा देश जो है ना, उसमें मतलब जब हम बड़े होते हैं, देखते आते हैं, बचपन से आपने देखा होगा, तो हम लोग राजनीति से बड़े परिचित रहते हैं कि कौन देश का प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, ठीक है। हम देखते रहते हैं कितनी पार्टियां हैं, पार्टियां आपस में क्या क्या रणनीतियां अपना रही हैं, उस पार्टी से किस कैंडिडेट को खड़ा किया जा रहा है, और फिर उनमें खींचातानी होती है, वो भी हम पढ़ते हैं, मतलब सुनते रहते हैं, पढ़ते नहीं, सॉरी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है, पॉलिटी मेंशन है, पॉलिटिक्स में हमारे मेंशन नहीं है। तो एक पर्टिकुलर नेता क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है, वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है दोस्तों, इस बात पे गौर करना। अमूमन क्या होता है, जब भी आप न्यूज चैनल खोलेंगे, कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि दो नेता आपस में लड़ रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। तो हमें पॉलिटी में ये सब नहीं पढ़ना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको अच्छा लगता है एक पर्टिकुलर नेता, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, उसे पर्सनल तक ही रखना, उसे एग्जाम के साथ मत लेकर आना, ये मेरी सलाह रहेगी आपको, ठीक है। तो हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार से एक एक पार्टी जो है वो किस प्रकार से खड़ी हुई, क्या उसकी विचारधारा है, क्या वो कर रही है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे सिलेबस में मेंशन है पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, ठीक है। तो आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक। पॉलिटी क्या है, अब हम इसको समझ के चलते हैं। देखिए, हम लोग क्या है, देखा जाए तो हम हैं एक व्यक्ति। हम क्या हैं, एक व्यक्ति तो है। अब व्यक्ति जो है इसको हम कई आयामों में समझ सकते हैं, ठीक। यदि हम इसको मात्र देखें तो जैविक आधार पर समझें, एक व्यक्ति जैविक आधार पर क्या होता है, एक व्यक्ति जैविक आधार पर क्या होगा, मानव, मनुष्य, भाई एक मानव ही तो है हम। अगर मैं बायोलॉजिकली अपने आप को डिफेंड करूं तो मैं कौन हूं, मैं मानव हूं, समझ रहे बात को, ठीक। दूसरा तरफ हम देखे चले, यदि मान लीजिए कि मैं राजनीतिक रूप से अपने आप को समझूं, राजनीति, यदि मैं अपने आप को राजनीतिक रूप से समझ के चल रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, भाई हमारे देश, हमारा देश है, समाज है, पूरा विश्व है, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना योगदान दे रहा है, तो मैं राजनीतिक रूप से अगर अपने आप को समझूं तो मैं कौन हूं, तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक राज्य का सदस्य हूं। राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब है एक देश, ठीक है। तो मैं क्या हूं, एक राज्य का एक मेंबर हूं, बस यही तो हूं भाई। कोई यूरोप का है, कोई यूएसए का है, कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, अल्टीमेटली हम किसी ना किसी राज्य के सदस्य तो हैं ही, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे देश और राज्य के बीच में एक अंतर है, वो अंतर मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, आप समझिए। देश जब मैं बोल रहा हूं तब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक खंड की, भौगोलिक खंड, भूगोल समझते हैं ना आप, भूगोल में क्या पढ़ते हैं, लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं बात करूंगा भारत देश, तब मैं बात कर रहा हूँ, एक ये नक्शा है इस तरीके से, आप जानते ही हैं ये हमारे देश का नक्शा है, तो ये क्या है, भारत है। भारत क्या है, एक देश है। देश है तो क्या है, एक भूमि का खंड है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, ठीक।
जब मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य क्या है? एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एक सरकार है। क्या है? एक गवर्नमेंट है। तो राजनीति रूप से व्यक्ति क्या है? एक राज्य का सदस्य है। मैं कौन हूं? मैं राज्य का सदस्य हूं। अच्छा, अभी इसी बात को मैं और अच्छी तरीके से बताऊं। एक राज्य के सदस्य को एक शब्द दिया गया है। राज्य का सदस्य अर्थात क्या बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, नागरिक। क्या बोलेंगे हम अपने आप को? नागरिक, सिटीजन। ठीक है, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से मैं कौन हूं? नागरिक हूं। किस देश का? भारत का। सिंपल सी बात है। तो हम क्या क्या यहां देख रहे हैं? जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो हम व्यक्ति का संबंध देखते हैं। व्यक्ति का संबंध किससे देखेंगे? राज्य के साथ। राज्य मतलब भारत देश। ठीक है, मैं बार बार वर्ड राज्य यूज करूंगा क्योंकि पॉलिटी में राज्य का मतलब जो है यहां पर स्टेट से लेके चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देख ले इस चीज को, इस तरीके से समझ के चलना है। कंफ्यूजन मत करना, मैं यूपी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। वो राज्य क्या होता है हम आगे देखेंगे, उसको किस तरीके से अलग किया गया है। अगर यहाँ पे जो मैं राज्य यूज कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझ के चलिए कि व्यक्ति का संबंध राज्य, राज्य मतलब देश के साथ, देश की सरकार के साथ किस प्रकार से है, इसको हम बोलते हैं राजनीति शास्त्र। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है पिक्चर? नहीं आ रही है तो एक बार बैक करके फिर से देखिए, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर जब मैं एक व्यक्ति का संबंध राज्य के साथ देखता हूं, तो मैं किसका संबंध देख रहा हूं? कहीं ना कहीं नागरिकों का संबंध देख रहा हूं। उस राज्य के साथ किसका संबंध देख रहा हूं? नागरिकों का। क्लियर है? ठीक, मैंने बताया कि हम लोग कौन है। हम एक राज्य के सदस्य हैं, राज्य के नागरिक हैं। ठीक, और उस राज्य का संबंध उसके नागरिक के साथ जब हम देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं राजनीति शास्त्र। अब इस नागरिक के संबंध जो होते हैं ना, राज्य और नागरिक के जो संबंध है, इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारा सिलेबस है वो क्या बोल रहा है, देखिए, इनको इस संबंध को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसी कौन सी संस्था, ऐसी कौन सा तंत्र विकसित किया है। भाई हमारे तुम मैं अगर बात कर, जैसे हम देखते हैं कि हमारा परिवार है, हमारे परिवार में क्या है कि हम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, दो अलग अलग संस्था हो गई ना। तो अब क्या है कि हमारे और हमारे रिश्तेदारों के संबंधों को डिफाइन करने के लिए एक तंत्र विकसित है ना, कि भाई शादी हुई, शादी होने के बाद ये मेरे मामा के साइड के लोग हो गए, ये मेरे चाचा के साइड के लोग हो गए, ये मेरे फूफा फूफी के साइड के लोग हो गए। तो हमने क्या किया, तंत्र बनाए हैं कि ऐसे शादी होगी, शादी के बाद आप वहां जाएंगे और वहां पर फिर आपको क्या मिलेगा कि आपको ये रिवाजें पूरी करनी होंगी, है ना। एक तंत्र बनाते हैं ना, तभी तो संबंधों का निर्धारण होता है। सेम यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। जब मैं नागरिकों के और राज्य के संबंधों की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए एक तंत्र बनाया गया है। ठीक है, हर देश में ये तंत्र अपना अपना होता है। हमें किसका पढ़ना है? भारत का तंत्र पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या है, इन संबंधों के लिए हमने क्या बनाया, एक तंत्र बनाया है। तंत्र क्या है? इस तंत्र के मतलब काफी सारे अंग हैं। अब वो तंत्र क्या है, वो तंत्र हमें समझना है। गौर कीजिएगा, इस तंत्र का जो सबसे बड़ा स्रोत है, एक स्रोत होता है ना, देखो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, मैं उसी से लिंक करता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे शादी विवाह हो रहे हैं, रीति रिवाज हो रहे हैं, काफी सारे अन्य प्रथाएं जो हैं वो निभाई जाती हैं कि भाई इस दिन आपको अपने बहन के पास जाना है या अपने भाई के पास जाना है, रक्षाबंधन पर राखी बंधवानी है। ठीक है, काफी सारे हमने सिस्टम बना रखे हैं। अल्टीमेटली हमें मिले कहाँ से हैं, कहाँ से मिला ये हमें, हमारे इतिहास से चला आ रहा है ना। और इतिहास में अभी कहाँ दिया हुआ है, हम अपने धर्मशास्त्रों में देखते हैं, हम अपने वैदिक ग्रंथों में देखते हैं। ठीक है, मनुस्मृति में देखते हैं। अगर मैं बिल्कुल इतिहास में बिल्कुल शुरुआत पे पहुंच जाऊं, तो वहां पर सारे नियम कायदे डिफाइन कर रखे हैं कि एक समाज की व्यवस्था किस आधार पर चलेगी, किस प्रकार से संबंध बनेंगे और उन संबंधों को किस प्रकार से निभाया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ने भी क्या किया है कि जब नागरिकों के और राज्य के संबंधों का हमने अध्ययन किया, एक तंत्र बनाया, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक ग्रंथ बना के तैयार कर दिया कि एक ग्रंथ बना देते हैं, उसमें सारे नियम कानून लिख देते हैं और वो नियम कानून ये बताएंगे कि भाई किस प्रकार से राज्य के संबंध नागरिक के साथ चलेंगे, क्या नागरिक के कर्तव्य होंगे राज्य के प्रति और क्या राज्य के प्रति राज्य के कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति। ठीक है, तो हमने क्या बनाया है, तंत्र को डिफाइन करने के लिए एक ग्रंथ बनाया है। क्या बनाया? एक ग्रंथ बनाया। इसी ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं बात को, संविधान क्या है? एक बार मैं दोबारा से शुरुआत करता हूं, थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी क्या था? व्यक्ति या राज्य के बीच का संबंध।
या आप ऐसे बोल सकते हैं नागरिक या राज्य के बीच का संबंध, ये हमें पढ़ना है कि हम नागरिक हैं एक देश के, हमारा एक राज्य है, राज्य मतलब एक सरकार है जिसके बीच में जो संबंध है उसको हम राजनीति शास्त्र बोलते हैं। उस संबंधों को विकसित करने के लिए हमारे राज्य ने, हमारी सरकार ने एक तंत्र का विकास किया है। उस तंत्र के माध्यम से ही हमारे संबंध निर्धारित होते हैं कि हम और राज्य किस प्रकार से आपस में इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, उस तंत्र को एक ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है, उसके नियम कानून, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, कौन कौन से पद होंगे, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, प्रधानमंत्री क्या करेगा, ठीक है, कैसे चुनकर आएगा, कहाँ जाएगा, कानून कैसे बनेगा, कैसे आपको न्याय मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो कितना सारा तंत्र है, इतना सारा तंत्र मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रंथ में लिख के रखा हुआ है और उस ग्रंथ को मैं क्या बोलता हूँ, संविधान। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जाएंगे, अब जब हमें, मान लीजिए अब मैं आपको पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, अपने देश का संविधान पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, अपने देश के संविधान को पढ़ेंगे। संविधान क्या है, कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देश से संबंधित राजनीतिक व्यवस्थाओं के सभी नियम कानून जो हैं वो लिखे रहते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और हर देश उसी संविधान में लिखी बातों के अनुसार अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाता है और देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो गैर सरकारी व्यक्ति है, चाहे वो एक आम व्यक्ति है, उस संविधान में दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है राजनीति शास्त्र में। क्लियर हो रही है पिक्चर, पॉलिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम इसी बात को पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या सिलेबस में और क्या क्या मेंशन है। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दे रखा है, देखिए ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये है भारतीय, भारत के संविधान की, जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा था, देख रहे हैं ना, दिख रहा है सबको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये संविधान। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही आता है कि ये संविधान जो है आया कहां से, किसने बनाया हुआ संविधान। ठीक है, क्या मैं एक संविधान लिख देता हूँ एक कॉपी में और बोलता हूँ सब इसका पालन करो, ऐसा हो सकता है क्या, आप पालन करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग इस संविधान का पालन क्यों कर रहे हैं, ये कहां से आ गया। ठीक है, और इस संविधान में वो सारी बातें किसने लिखी और यही बातें क्यों लिखी, कोई दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं लिखी। ठीक है, तो ये तो हमें समझना होगा ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका देखें, आप सिलेबस में देखिए जो मेंशन है वो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। समझ रहे हैं बात को, यानी कि जिस संविधान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था उस संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, भाई उसकी भी एक हिस्ट्री होगी ना, कैसे कैसे बनकर आया, एक साथ थोड़ी ना बन गया है। ठीक है, उसमें भी एक प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया को हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि वो क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि संविधान जैसी संकल्पना जो है ना वो हमें कहाँ से मिली है, यूरोप से मिली है। यूरोप में इस प्रकार की चीजें जो है विकसित हुई थी, वहां से हम मिली हैं। जब इतिहास में आप जानते हैं कि हमारा देश जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। ठीक है, तो जो यूके है उसकी गवर्नमेंट हम पे रूल किया करती थी, तो वहां पर यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर जब हम पे शासन किया तो उसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया और धीरे धीरे क्या हुआ, वही व्यवस्थाएं जो है हमारे देश में लागू की गई। तो आप देख सकते हैं जो आपका पहला टॉपिक आएगा वो आएगा कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ये एक चरण रहा है, इस चरण में कुछ संवैधानिक विकास हुआ था। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से कंपनी के शासन, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस प्रकार से संविधान का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा था, हम इस चीज को पहले थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में अगला जो पोर्शन है वो है 1858 से 1947 तक। आप सब जानते होंगे इस बात को कि 1857 में क्या हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना है ना। तो 1857 में एक विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के कारण क्या हुआ कि कंपनी से शासन जो हमारे देश पे शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो कहां चले गया, सीधा क्राउन के अंडर चले गया। क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, यानी कि पहले तो सिर्फ कंपनी शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कौन शासन कर रहा है, ब्रिटेन की महारानी शासन कर रही है। ये क्या है, इतिहास में हम इसको और समझेंगे किस प्रकार से ये बदला।
ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भागों में बांटा गया है, एक 1773 से 1858 तक और दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक। क्लियर हो या बात है? तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में संविधान का विकास हुआ है, संविधान बना कैसे, कैसे वहां तक हम पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट आया, देखो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो इसी बारे में जिक्र कर रहा है कि संविधान का निर्माण, संविधान बनाया कैसे, कैसे एक संविधान सभा की मांग की गई, उस संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। सभा का मतलब, संविधान सभा का मतलब है कि कुछ लोग मिले थे, कुछ बुद्धिजीवी हमारे देश के लगभग 1946 में वो मिले थे और इन्होंने 1949 तक लगभग इतना समय लिया था इसको, संविधान को बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, संविधान सभा की मांग की। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन से, अब यहाँ यहीं से स्टार्ट हो जाता है ये सब कुछ, सब लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे मांग की थी कि भाई हमें अपने देश का संविधान चाहिए, हम अपने देश का राजनीतिक तंत्र अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसकी मांग होने लगी, संविधान सभा का फिर गठन किया गया, ब्रिटिश शासन को झुककर करना पड़ा ये, क्योंकि आप जानते हैं कि आंदोलन कितना तीव्र हो गया था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा किस प्रकार से काम कर रही थी, हम ये देखेंगे कि संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया। फिर देखेंगे कौन कौन सी समितियां, कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, इसमें कमेटी बना दी थी हमने सभाओं के अंदर कि भाई आप देखो क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, आप देखो राष्ट्रपति क्या काम करेगा, आप देखो कैसे हम जो है अपने देश को विभिन्न राज्यों में बांटेंगे। तो सबको अलग अलग काम दे दिए थे, तो कमेटीज बनाई गई थी। तो कौन कौन सी कमेटी थी, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उनको देखेंगे। और फिर जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसकी कुछ आलोचना भी हुई थी, हर कोई खुश तो होता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो जो लोग संविधान बना रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। तो आलोचनाएं क्या है हम उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान बनाया जा रहा था, किस प्रकार बनाया जा रहा था, क्या कैसे पढ़ना है उसमें, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जब संविधान बनाया तो देखो संविधान में क्या है, उसके अगला चैप्टर है संविधान के प्रमुख स्रोत, कि भाई क्या क्या स्रोत रहे थे संविधान बनाने के लिए। हमने क्या किया, कुछ यूएसए के संविधान में हमने देखा, वहाँ उसका अध्ययन किया, तो हमें लगा कि भाई यूएस के संविधान में ये वाली व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, यदि इसे अपने देश में लागू किया जाए तो हम कुछ अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कभी हमें लगा कि ये वाली व्यवस्था जो है वो हम यूके के संविधान से ले लें, एक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली, एक हमने आयरलैंड के संविधान से ली। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है कि विभिन्न देशों के जो संविधान है वहां से हमने कुछ चीजें जो है अपने संविधान में उतार ली है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, अर्थात हमने किस देश के संविधान से क्या क्या अपने संविधान में इंक्लूड किया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, यहां से इतना करने के बाद हम ये देख रहे हैं, यहां से हमारा जो चैप्टर 4 है, यहां से संविधान जो है वो शुरू हो चुका है, यहां से संविधान शुरू हो चुका है। ठीक है, अब देखो संविधान में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली हम आगे करने के जा रहे हैं। ठीक है, यही मैं समझा देता हूँ। देखो संविधान क्या है ना, ये एक ग्रंथ है, इसको हमने अलग अलग तरीके से बांट रखा है। कैसे बांटा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना? आप कोई भी बुक खोलते हो, कोई भी बुक लेकर आइए, सबसे पहला पेज खोलते हैं, क्या लिखा होता है? प्रस्तावना। और उसके बाद या प्रीफेस लिखा होता है इंग्लिश में देखें तो। ठीक है, तो उस प्रस्तावना में क्या होता है? पुस्तक परिचय होता है कि इस पुस्तक के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं, यही तो होता है प्रस्तावना। भाई परिचय देना, इस एक किताब है, इस किताब में क्या बताया जा रहा है, क्या क्या होगा, हमने क्या क्या इसमें जो विशेषताएं हैं वो डाली हुई हैं, इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, ये तो होता है। सॉरी, इसी प्रकार संविधान जो है उसकी अपनी एक प्रस्तावना है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि अल्टीमेटली हम संविधान कैसा बना रहे हैं, क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अगला जो चैप्टर आप देख रहे हैं वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना। हम संविधान का एक परिचय पढ़ेंगे कि संविधान क्या है और वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, और कैसी व्यवस्था उसने हमें प्रदान की है, एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा जो संविधान में मुख्य भाग है वो है भाग, पार्ट्स। दूसरा क्या है? भाग है।
मतलब संविधान को ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफ से सिर्फ लिखते चले गए हम उसमें, हमने क्या किया है संविधान को कुछ भागों में बांट रखा है। कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। जब हम संविधान को और आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, संविधान की विशेषताओं बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, क्या हैं। बट अभी इतना समझ लीजिए कि संविधान को हमने किसमें तोड़ लिया है? भागों में तोड़ लिया है। हमने कितने भाग बनाए? टोटल 22 भाग बनाए हुए हैं, ठीक है? हर भाग की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पहले भाग में हम क्या देंगे? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे में फिर हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार संबंधी प्रावधान क्या है। तो हमने क्या किया है, एक तरीके से कैटेगराइज कर लिया है, वर्गीकरण कर दिया है, जो हमारे संविधान की जो प्रावधान है उनको 22 भागों में बांट दिया है। हमें लगा कि तीन चार चीजें एक जैसी हैं, इससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित हमने एक भाग बना दिया। फिर हमें लगा कि ये चीज जो है मूल अधिकार से संबंधित है, उसका एक भाग बना दिया, उसमें 10, 20, 15 जो आर्टिकल आए, ठीक है? तो हमने क्या किया है, 22 भाग बनाए हैं, ठीक? तो 22 भाग में क्या है कि प्रत्येक भाग में क्या आपको मिलेगा, भागों को हमने बांटा हुआ है, भाग के अंदर भी वर्गीकरण मिलेगा, ठीक है? जैसे उसे बोलते हैं अनुच्छेद, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे आर्टिकल्स, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ठीक है? तो क्या है, हमने क्या किया, संविधान को 22 भागों में बांटा और हर भाग में आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आर्टिकल कुछ नहीं है, मान लीजिए कि जैसे आप कोई अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप एक टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक में बताएंगे कि इसका एक प्रावधान ये है, दूसरा प्रावधान ये है, तीसरा प्रावधान ये है, चौथा प्रावधान ये है, यही तो होता है। सेम आप आर्टिकल को समझिए, ये प्रावधान है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि एक भाग है मान लो नागरिकता है, क्योंकि अभी मैंने नागरिकता ही आपको समझाया है तो मैं आपको उसी में बताता हूँ कि नागरिकता संबंधित एक भाग है। तो एक बात नागरिकता के बारे में ये है, ऐसी लागू होनी चाहिए, एक तंत्र ऐसा विकसित होना चाहिए, एक तंत्र मैंने बोला कि इससे विकसित होना चाहिए, तीसरा चौथा, ऐसे मैंने क्या किए, इस नागरिकता से संबंधित कई प्रावधान जो है इस संविधान में दे रखे हैं। तो ये प्रावधान क्या है, इनको मैंने आर्टिकल का नाम दे दिया कि आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आर्टिकल चलते हैं। और हम इसको ढंग से समझेंगे जब हम संविधान की विशेषताओं पर आएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये एक संविधान था, ये संविधान है पूरा, इसमें मैंने क्या बनाया है, इसमें मैंने बना दिए भाग, और इन भागों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आर्टिकल्स, ठीक? तो जैसे मान लो ये भाग है, इसमें कुछ आर्टिकल होंगे, फिर दूसरा कोई भाग शुरू हुआ तो उसमें आर्टिकल्स होंगे, फिर तीसरा भाग शुरू हुआ उससे कुछ आर्टिकल होंगे, इस प्रकार से टोटल आपके देखोगे तो संविधान में कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स। तो 395 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। अब इन 395 आर्टिकल्स के बारे में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और सारे याद करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये जो हमारा काम क्या है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड बताना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस 395 आर्टिकल में से हम बहुत से आर्टिकल कम कर देंगे, जहां तक मुझे लगता है 70 से 80 आर्टिकल हमें पढ़ने होंगे, और क्योंकि हम उनको बार बार इतना इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। रटना नहीं होता है बैठ के कि मैं एक आर्टिकल में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा सोचना भी मत इसको करने की, और ना कर पाओगे, कितना याद करेंगे हम ऐसे, ये खुद ब खुद हमें याद होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे हमें खुद याद हो जाते हैं, ठीक है? तो 395 आर्टिकल्स हैं। तो आप समझ रहे हैं बात को, संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, पहला, दूसरा भाग है, एक तीसरा पार्ट और है हमारे संविधान का जिसे हम बोलते हैं अनुसूचियां। क्या बोलते हैं? अनुसूचियां, इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे शेड्यूल्स, ठीक है? इसमें क्या, हमने कुछ लिस्ट बना रखी है। होता क्या है कि एक आर्टिकल है, मान लो एक आर्टिकल मैंने बोला कि भाई जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इन सब के वेतन भत्ते तैयार करने हैं, तो उसमें सब लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को इतना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को इतना वेतन मिल रहा है, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको इतना वेतन मिल रहा है, उतने भत्ते मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये सब हमने क्या किया, एक लिस्ट बना रखी है। तो अब लिस्ट को एक आर्टिकल में डाल देना थोड़ा सा उनको सहज नहीं लगा कि आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अलग से लिस्ट बना दिए कुछ, ऐसी कुल 12 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी हमारे संविधान में। वो लिस्ट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर आपका संविधान की विशेषताओं में है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया संविधान की विशेषताओं को, जिससे आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे सिलेबस में आगे आपसे क्या पूछा गया, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, सब आसानी से समझ में आ रहा है। यदि आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा पानी वानी पी के और फिर दोबारा से इसको शुरू कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो
तो इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक एक भाग को हम उठाते चलेंगे। जैसे देखो ये भाग जो है भाग एक है, इसमें लिखा नहीं है, और इसमें भाग एक में एक से लेके चार अनुच्छेद तक, आर्टिकल वन से लेके फोर तक हमको पढ़ना है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि राज्यों का संघ क्या है, पुनर्गठन कैसे राज्य बनते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं, अभी ये सात हैं, इसमें अब नौ हो चुकी हैं। आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और एक लद्दाख जो है उसको भी हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपको हम पढ़ाएंगे पहले भाग में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखो मैंने बताया नागरिकता, जिसमें हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है वो हम तब बताएंगे आपको। उसके बाद मौलिक अधिकार आएंगे, हमारा संविधान देश के नागरिक को कुछ अधिकार देता है कि आपका हो गया, तो शुरू करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे, कौन कौन से अधिकार हमें संविधान देता है एक नागरिक के तौर पर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है ये, उसके बाद डीप में तो हम पढ़ेंगे ही आगे। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नाम से समझ में आ रहा है, जो राज्य है, राज्य मतलब कौन, सरकार, बताया ना मैंने, सरकार जो है वो कुछ नीतियां बनाएगी, कुछ पॉलिसीज बनाएगी, कुछ कानून बनाएगी, उसको निदेशक बनाया। निदेशक मतलब क्या है, डायरेक्शन दिखाना कि सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का भला हो सके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान द्वारा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, ये काम आप करेंगे, तो ये सब आपको दिए हैं। नाइन्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल्स होंगे इसमें। उसके बाद कुछ मूल कर्तव्य हैं, भाई राज्य को आदेश दे दिया, ठीक है, मौलिक अधिकार आपको अधिकार भी मिल गए, तो क्या आपके कुछ कर्तव्य नहीं बनते हैं। मैंने बताया ना राजनीति शास्त्र में पढ़ना क्या है, भाई व्यक्ति का और नागरिक का और राज्य का संबंध पढ़ना है, इनके संबंध कैसे हैं। भाई नागरिकों के संबंध तो बता दिएगा, नागरिकों को ये अधिकार है, राज्य ये अधिकार देगा नागरिक को और ये काम करेगा उनके लिए। अब नागरिक क्या करेंगे राज्य के लिए, ये भी तो बताएगा। तो ये कहाँ बताया गया है, मूल कर्तव्य में बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल 51 का क है, ये क कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो जब हम विस्तार से समझेंगे तो ये खुद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो मूल कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। उसके बाद संविधान का संशोधन है, ये अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संशोधन क्या होता है कि संविधान ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लिख दिया तो अब बस ये पत्थर की लकीर हो गई, अब ये नहीं मिट सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा संविधान क्या है, बड़ा लचीला है, कैसा है, फ्लेक्सिबल है। लचीलेपन का तात्पर्य है यहां पर कि हमारे संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। हमारे देश की संसद, उसको ये अधिकार है कि यदि समय की मांग ऐसी है कि एक पर्टिकुलर प्रावधान जो कि आज सही साबित नहीं हो रहा है उसको हम समय के साथ बदल लें, तो उसके लिए क्या है, संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो वहां हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, कि संविधान का ढांचा किस प्रकार से है, क्या सिद्धांत है उसके, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था। आप सब जानते हैं संसद, पार्लियामेंट कहां पर है, दिल्ली में है। इसका काम क्या है, ये सबसे बड़ी कानून निर्माता संस्था है, यानी कि देश में जो भी कानून बन रहा है उसके निर्माण के लिए एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जो कि इसका अधिकार रखते हैं, जिसमें आपके कौन आएंगे, सांसद आएंगे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा नाम सुने होंगे ना आपने, तो विस्तार से समझेंगे कहाँ से आए, क्यों आए, क्या काम है, क्यों बनाए गए, वो सब हम विस्तार से धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। ठीक है, अभी मैं इतना समझा रहा हूँ कि हमें फिर क्या पढ़ना है, संसद की व्यवस्थाएं पढ़नी है, उसमें इसकी क्या विशेषताएं वो देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि किस प्रकार से
राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है संसद की व्यवस्था जहां पर संसद को सारे अधिकार होते हैं, दूसरी व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति की व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन जैसा बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूएस, यूएस में क्या होता है, वहां का जो प्रेसिडेंट है कौन है इस वक्त, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, वहां के प्रेसिडेंट है, वहां को उनको बहुत सारी पावर है, जबकि हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है। हमारे देश में किसके पास पावर ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर के पास, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे यहाँ संसद को ज्यादा अधिकार दे रखे हैं, वहां पर राष्ट्रपति को दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या है, हम देखेंगे किस प्रकार से संसद अपना काम करती है, वो व्यवस्था किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से राष्ट्रपति की व्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखें संसद व्यवस्था के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं वो देखेंगे, क्यों हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, भारत और ब्रिटिश के जो संसदीय मॉडल है उसमें क्या अंतर है, हम ये समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, अभी सिर्फ हम सिलेबस जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थाओं के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया देश क्या है, देश एक भौगोलिक संकल्पना है, यानी कि एक भूखंड है जो कि सीमाओं से बंधा हुआ है। जैसे मैंने बताया भारत देश, ठीक है, तो ये जैसे मान लो कि हमारा भारत देश था, मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक देश है। अब इस देश में क्या चल रही है, एक राज्य सरकार चल रही है। ठीक है, सरकार चला रही है, ठीक है, जैसे मैंने राज्य बोला था। ठीक है, हमारे देश में जो सरकार है उसको तीन स्तरों पर बांट दिया गया है, बांटा गया है। जैसे सबसे पहले क्या है, आपने आपने नाम सुना होगा कि केंद्र सरकार, न्यूज में चलता रहता है ना केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार है, फिर क्या, राज्य बटे हुए हैं बहुत सारे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम राज्य सरकार बोलते हैं। उसके बाद क्या, ये राज्य भी जिलों में बटे हुए हैं, तो ये जिले बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपने देश के प्रशासन को बांट रखा है, आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो ये संघीय व्यवस्था क्या है, यहाँ पे मैंने ये सब क्यों बताया, जो केंद्र है ना इसे हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। क्या है, केंद्र संघ है, एक संघ है, संघ किसका है, राज्यों का संघ है। यानी कि एक राज्य, कितने राज्य हैं हमारे, अभी 28 राज्य हैं भारत में। ठीक है, तो कितने सारे राज्य हैं, ये सब राज्य हैं अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं और ये सब एक संघ बनाकर एक केंद्र सरकार को भी बना रहे हैं, ये तो चलता है देश में। तो संघीय व्यवस्था क्या है वो हम देखेंगे, किस प्रकार से केंद्र काम करते हैं, कैसे राज्य काम करते हैं, क्या इस संघ में, परिसंघ में और यूनियन में अंतर होता है वो हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या, सॉरी, सहकारी संघवाद क्या होता है, एक नई संकल्पना है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, उपसंघवाद, ये सब देखेंगे। संविधान की कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं, मतलब जहां पर केंद्र सरकार जो है वो प्राथमिक रोल में आ जाती है, उसको ज्यादा शक्तियां दी गई होती हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे कहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दे रखी हैं, कहां पर राज्य सरकार को शक्तियां दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद इस व्यवस्था की कुछ आलोचना है, कुछ कमियां हैं उनको देखेंगे, क्या कमी है, कैसे दूर किया जा रहा है उनको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा केंद्र राज्य संबंध। मैंने बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और फिर राज्यों की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, तो इनको, इनके बीच में संबंध कैसा है, इनके बीच में तो संबंध होगा, कैसे एक दूसरे अपने अधिकारों को बांट रहे होंगे, अपने कर्तव्यों को बांट रहे होंगे, अपने कार्यों को बांट रहे होंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे। वही है देखो विधायी संबंध, विधायी मतलब कानूनी, कानून कैसे कैसे बनाए जाते हैं। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, आप सब लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आपातकालीन प्रावधान। आप सबने, आपको सबको ये तो पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हमारे देश में क्या लगा था, इमरजेंसी, आपातकाल लगा था, ये सब तो सुना ही होगा ना आपने, तो सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है इस बात को। तो इमरजेंसी देश में कैसे लगाई जाती है, कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्या उसके देश के संविधान पर और देश के शासन तंत्र पर प्रभाव पड़ते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, आपातकालीन प्रावधानों में पढ़ेंगे। ये सब विस्तार से हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे, वही सब दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है, इस व्यवस्था की फिर आलोचना भी की जाती है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, देखो राष्ट्रपति ये एक संवैधानिक पद है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, कैसे उसको चुना जाता है, क्या क्या उसकी अर्हताएं होती हैं, अर्हताएं मतलब योग्यताएं, भाई हर किसी को थोड़ी ना बना देंगे, तो उसकी कुछ योग्यताएं होंगी ना, उसके आधार पर राष्ट्रपति बनेगा, तो वो योग्यताएं क्या है, कैसे उसको शपथ दिलाई जाती है, किन किन शर्तों पर वो काम करते हैं, पदावधि कितने समय के लिए काम कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है महाभियोग, आप सबने सुना होगा, तो महाभियोग के माध्यम से क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं राष्ट्रपति एक बार बन गया तो हमेशा के लिए बन गए, हटा सकते हैं ना उसको।
उसके बाद कुछ उसकी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल में क्या क्या शक्तियां मिलती हैं राष्ट्रपति को और सामान्य समय में क्या क्या शक्तियां मिलती हैं वो देखेंगे। अध्यादेश क्या होता है, आपने सुना होगा कि मोदी सरकार जो है अध्यादेश लेकर आई है, अभी न्यूज में आया था, ठीक है। तो वो अध्यादेश क्या होता है, कानून और अध्यादेश में क्या अंतर है वो हम समझेंगे, ठीक। उसके बाद क्षमादान की शक्ति हो गई, राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान देता है, ठीक है। अभी निर्भया केस में चल रहा है, ठीक है, हर बार वो क्या करते हैं, एक दया याचिका दायर कर देते हैं राष्ट्रपति को कि हमें भाई दया दे दी जाए, हमें क्षमा की जाए, हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो वो क्या होता है क्षमादान, राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां होती हैं वो देखेंगे। वीटो आपने जानते ही है, वीटो क्या होता है, किस प्रकार से वीटो लगाया जाता है, वीटो का मतलब क्या है, एक तरीके से रोक लगा देना। संसद कानून बना रही है, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी कि नहीं मैं कानून नहीं बनने दूंगा इस चीज को। तो वो वीटो शक्ति क्या है, क्या कितना कहां तक वीटो दिया गया राष्ट्रपति को, क्या वो सच में रोक सकता है, क्या नहीं रोक सकता है, या किन किन परिस्थितियों में रोक सकता है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वीटो शक्ति में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, स्थिति का मतलब समझ रहे हैं ना, पद स्थिति क्या है, उसकी क्या महत्व है, क्यों दिया गया राष्ट्रपति का पद, क्या उसके काम थे, नहीं देते तो क्या होता है, तो क्या नहीं है, ये थोड़ा सा पक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पद है वो है उपराष्ट्रपति का, सेम प्रक्रिया इसमें यही है, सब दे रखा है कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, क्या नहीं करता है, कब चुना जाएगा, क्या नहीं चुना जाएगा, वो सब हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे प्रधानमंत्री का पद दे रखा है, प्रधानमंत्री का क्या काम होते हैं, कैसे चुना जाता है, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं, आगे देखो दे रखा है केंद्रीय मंत्री परिषद। मंत्री परिषद देखो अभी सब ये समझिए कि देखो इसमें एक शब्द है मंत्री, तो हम सुना होगा ना कि वो मंत्री ने ये काम किया, ये मंत्री ने ये काम किया, तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या उनके काम होते हैं, मंत्री परिषद क्यों बनाया जाता है, ये सब हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है वो भी हम सीखेंगे। और ये मंत्रिमंडल जब काम करते हैं तो इनकी अपनी अपनी एक कमेटी होती है, ठीक है, समितियां बनाई जाती हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड काम जो है ये वाली समिति देखेगी, या इससे संबंधित काम ये वाली समिति देखेगी, ऐसे हमने समितियां बना रखी हैं, हर समिति में 3, 4, 5 जैसे सदस्य हों, ठीक है। तो हम समितियां देखेंगे। उसके बाद संसद है, संसद का गठन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से अधिकारी जो हैं वो लीड करते हैं, जैसे आपने सबको देखा होगा लोकसभा स्पीकर होता है ना, तो लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलती है, इस कार्यवाही में देखेंगे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ठीक है। इसकी भी अपने क्षमादान की शक्ति होती है, वीटो शक्ति होती है, संसदीय सत्र कैसे चलते हैं, ये सब न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार चलते हैं, डीप में पढ़ने के लिए हम आगे इसको देखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं कुछ और, ये सब जो व्यवस्था है ये सब कुछ प्रस्ताव दे रखे हैं कि कौन कौन से बिल आते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, बिल प्रस्ताव बहुत सुनते होंगे आप न्यूज में, तो समझ में नहीं आता है, कभी बिल बोल देते हैं, कभी एक्ट बोल देते हैं, कभी बोलते हैं प्रस्ताव ही है, तो क्या सब कुछ है, ये सब क्या अंतर है इनमें, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है आपके सिलेबस में, हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये सब दे रखे हैं, कुछ विधेयक आगे देखिए, ये विधेयक दे रखे हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, विनियोग विधेयक, तो ये सब विधेयक हैं, ये भी संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये फिर कुछ अनुदान आ गए हैं, अनुदान मतलब नाम से समझ में आ रहा है, दान दिया गया है, दान किसको देंगे, या तो सरकार को देंगे, सरकार कौन सी, केंद्र सरकार देंगे, या किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे, दो प्रकार के दान हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संसद किसको दान देगी, केंद्र सरकार को दान देगी, ठीक है। तो वो अनुदान कितने प्रकार के होते हैं, दान कब कब दिए जा सकते हैं, दान क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी जरूरी है, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद ये भी अनुदान ही है सब, कुछ संसद के विशेष अधिकार हैं जो सिर्फ अधिकार संसद के पास हैं वो हम पढ़ेंगे। संसदीय समितियां हैं, कुछ संसद की अपनी कमेटी होती हैं, बजट प्रक्रिया होती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार की समिति हैं, इन समितियों का क्या काम है, वो सब हम देखते चलेंगे, ठीक है। काफी सारी समितियां दे रखी हैं यहाँ पर, देखिए सब समितियां दे रखी हैं, ये सब समितियां हैं, क्या क्या समितियां वो आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, वो है उच्चतम न्यायालय। किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, यानी कि न्याय कैसे मिलेगा, कानून तो बन गया, उस कानून को लागू कराने वाले भी हैं, बट अब मान लीजिए कल को वो कानून का उल्लंघन होता है, तो व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सी संस्था है, तो हम बताते हैं कि वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में क्या है, उच्चतम न्यायालय कहां पर है, ये केंद्र के स्तर पर है, मैंने बताया ना कि ये केंद्र सरकार होती है,
ठीक है, तो वहां पर क्या है उसके स्तर पे हम क्या बोलेंगे, केंद्र जो है वहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है, उच्चतम न्यायालय, ये किस प्रकार से बनता है, क्या काम होता है, कैसे कैसे इनकी प्रक्रिया होती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद राज्यपाल, यहाँ तक केंद्र का काम खत्म हो गया। अब मैं कहाँ आ रहा हूँ, राज्यों, राज्य यहाँ पर मैं अब बात कर रहा हूँ जो हमारे राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर राज्य का मतलब देश से मत लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, राज्यपाल होता है जो कि राष्ट्रपति जैसे काम करता है केंद्र में, वैसे राज्यपाल राज्यों में होते हैं। तो उसका क्या चरण है वो सब देखेंगे हम। उसके बाद राज्यों में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र पे, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, उनके अपने मंत्री होते हैं। ठीक है, राज्यों जैसे केंद्र में संसद होती है, यहाँ पे राज्यों में विधानमंडल होती है, वो हमें देखना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप केंद्र पे क्या है, अभी देखा हमने सुप्रीम कोर्ट होती है, तो राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं जैसे, तो वो कैसे काम करते हैं। फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं, लोक अदालत हैं। अधीनस्थ न्यायालय मतलब आप अभी इतना समझ लीजिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आपने देखा होगा ना, जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, तो वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, कई प्रकार के न्यायालय होते हैं जिला में। ठीक है, तो वो सारे जो हैं क्या है, सब अधीनस्थ न्यायालय हैं, तो वो कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कई देखें, इसमें स्थायी लोक अदालत है, परिवार है, ग्राम है। उसके बाद अगला चैप्टर है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, काफी न्यूज में बना हुआ है, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है, तो कुछ प्रावधान है वो क्या है। इसके साथ साथ कुछ और राज्य भी हैं जिन्हें विशेष प्रावधान प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और भी स्टेट हैं, वो कौन कौन से हैं, क्या उनको अधिकार हैं विशेष, वो देखेंगे। उसके बाद कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए ट्राइबल्स एरिया हैं, जो कि जंगलों में निवास करते हैं, वहीं से अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहीं रहते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ अलग प्रावधान दिए गए हैं, उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, वो देखेंगे। फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यूटीज के बारे में बात हो गई, वो किस प्रकार से अपना काम चलाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज, पंचायती राज किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि भाई सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट है, ये तीनों जो है काम कर रही हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को हमने बांट रखा है शहरों के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग। तो पंचायती राज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, और जो म्यूनिसिपल होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वो शहरों के लिए होती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या रहा है, इसके भी शासन को बांट रखा है। तो हम पंचायती राज पढ़ेंगे, किस प्रकार से विकास हुआ, कौन कौन सी समितियां थी जिन्होंने सिफारिश करके इस समय पंचायती राज के विकास में अपना योगदान दिया है। ठीक है, और ये 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, शुरुआत में पंचायती राज जो थे वो हमारे संविधान में थे नहीं, बाद में जोड़े गए हैं, तो कौन सा संशोधन था वो, ये था। तो इसको पढ़ेंगे कि इस संशोधन अधिनियम में क्या कौन से प्रावधान रखे गए। ठीक, किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे पंचायतों से संबंधित। ठीक है, और ये एक पेशा अधिनियम है, ये क्या है ये हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक, नगर निगम, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या आएगा, ये 73rd जो अमेंडमेंट है ये लागू किया गया था। ठीक, और नगर निगम में क्या है, ये 74th अमेंडमेंट लागू किया गया था। ये 42 गलत लिखा है यहाँ पर, इसको भी 92 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 74th संशोधन अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ, 92 में लागू हुआ। इसका ये कैसे काम कर रहा है, नगर निगम के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब किस किस तरह से व्यवस्था चल रही है नगरों की, वो सब बताया गया है कि कैसे नगर पालिका परिषद होती है, नगर निगम क्या होते हैं, वार्ड समितियां क्या होती हैं, उनका निर्वाचन आयोग चुनाव कैसे होगा। ठीक है, कौन कौन सी समितियां योजना होती हैं, कैसे कैसे उसका शासन होता है, मतलब ये सब हम पढ़ेंगे, व्यापक रूप से पढ़ेंगे क्या है, ये भी उससे संबंधित है। उसके बाद कुछ बॉडीज हैं संविधान में, कुछ बॉडी दे रखी हैं। ठीक है, कि आपको काम करना है, जैसे निर्वाचन आयोग क्या कैसा काम करेगा, चुनाव करवाएगा, निर्वाचन करवाएगा देश में, तो उसके लिए एक अलग से बॉडी बना दी। ठीक है, अब क्योंकि संवैधानिक है तो इसका वर्णन कहाँ दे रखा है, संविधान में दे रखा है, इसलिए इसको हमने संवैधानिक बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और समितियां, देखो हम दे रखे हैं निकाय, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, और ये अलग आयोग दे रखे हैं, एसटी एसटी ओबीसी कैग हो गए हमारे। ठीक है, महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, ये सारे जो निकाय हैं ये संविधान में दे रखे हैं, इनके अपने अपने काम हैं, क्या काम है, क्यों जरूरत पड़ी इनकी, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो, देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय,
यानी कुछ और बॉडीज भी हैं, कुछ और हमने संस्थाएं बना रखी हैं जो कि काम तो यही कर रही हैं, परंतु वो संविधान में मेंशन नहीं है, संविधान में उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो उसको हमने कहाँ बना दिया है, या तो हमने उसको लिए कोई कानून बनाया है, उस कानून के माध्यम से हमने बोला कि एक बॉडी बनाएंगे, या फिर सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और उससे बोला कि ठीक है इस ऑर्डर के माध्यम से इसको बना देते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से हमने गैर संवैधानिक निकाय है, तो जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, मानवाधिकार आयोग हो गए, ठीक है, सूचना आयोग हो गए, सतर्कता आयोग, अन्वेषण, ये सीबीआई जिसे हम बोलते हैं, लोकपाल, लोक आयोग, काफी न्यूज में रहता है लोकपाल, क्या होता है, कैसे आया, वो सब हम देखेंगे। ठीक, तो इसी के साथ आप देख रहे हैं हमारा सिलेबस जो है वो इतना ही है। मैंने सिलेबस को ढंग से खोल के रख दिया है, काफी एक्सप्लेन किया है, जिस थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, 37 चैप्टर नहीं है, 37 टॉपिक है, आप ऐसे समझ के चलिए, ये चैप्टर नहीं है, आप समझो कि इतना तो हमें पॉलिटी में पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें जैसे नीति आयोग है तो उसके बारे में आधा पेज या एक पेज ज्यादा से ज्यादा उतना हमें पढ़ना है, जिससे हम अपने फैक्ट निकाल सकें क्या पूछेगा, और उसी को फिर हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं बात को। तो काफी कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैंने ढंग से इसको एलिबरेट कर दिया है, क्या क्या है आप एक बार दोबारा से देख लीजिए क्या पढ़ना है इसके लिए, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। रही बात पॉलिटी के सोर्स की, तो देखो पॉलिटी में जो सबसे एक महत्वपूर्ण किताब है वो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, आप लोग जाएंगे मार्केट में इस किताब को तो लेके आना ही आना है, क्योंकि ये अपने आप में ही मतलब सबको संपूर्ण है, तो आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जैसे बताया कि हम यहाँ पे आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, अमूमन हम चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत का मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो हमारे नोट्स में है, ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है तो एक बार आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद पीपीटी के माध्यम से मैंने बताया कि हम करेंगे ही करेंगे, और कोई किताब लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मैंने आपको सिलेबस ढंग से बता दिया है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, अगली क्लास जो हमारी होगी वो रहेगी संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हमारा पहला टॉपिक है कि संविधान बना कैसे, ठीक है, तो वहां से रहेंगे, आप चाहें तो एक रीडिंग लेके आ सकते हैं उस टॉपिक की, और उसके बाद फिर हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।